पूजा बेदी का निधन हो गया। ये खबर सामने आते ही फैंस बेहद उदास हो गए। हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज केव में आप सभी का स्वागत है। पूजा बेदी एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने अपने हुस्न से कई दिल घायल किए। इनकी मुस्कुराहट के लोग आज भी दीवाने हैं। इनके पिता कबीर बेदी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। पूजा बेदी का जन्म 11 मई 1970 को मुंबई शहर में हुआ। इनकी पढ़ाई लिखाई हुई बिसेंट मोंटेसरी स्कूल मुंबई से और फिर ये लॉरेंस स्कूल सनावर चली गईं। साल 1991 से लेकर साल 1994 तक पूजा बेदी बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आईं। हालांकि शुरुआत में इन्होंने बहुत ही बोल्ड फोटोशूट भी करवाया। इनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है जो जीता वो सिकंदर, जिसमें ये आमिर खान और दीपक तिजोरी के साथ रोमांस करती हुई नजर आईं। फिल्मों में इनके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इनकी एक्टिंग और लुक्स के लोग आज भी दीवाने हैं, लेकिन फिल्मों से इनका नाता ज्यादा लंबा नहीं रहा। इन्होंने अखबार में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी बहुत तारीफ हुई और फिर इन्हें बतौर टीवी एंकर भी काम मिलना शुरू हुआ। पूजा बेदी ना सिगरेट पीती थी और इन्होंने नॉन वेज भी लंबे समय के लिए छोड़ दिया था। ये शराब से भी दूर रहा करती थी, पर ये तब तक था जब तक ये बच्ची थी। इनके माता पिता बचपन में ही दूर हो गए थे। इनके पिता के अफेयर्स की खबरें थी परवीन बॉबी के साथ। इनकी माँ प्रीतमा बेदी मुंबई के बीच पर बिल्कुल कपड़ों के बगैर धोती हुई नजर आई थी और इनकी फोटोग्राफ्स भी अखबार में छपी जो कि बहुत ज्यादा वायरल रही। एक दिन पूजा बेदी स्कूल से वापस आई और वो बहुत ज्यादा रो रही थी और इन्होंने बताया कि लोगों ने इनका मजाक उड़ाया है कि इनकी माँ की इस तरह की पिक्चर्स वायरल हुई हैं और इन्हें शेम शेम भी बोला। इन्होंने अपनी माँ से शिकायत की तो उन्होंने कहा ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगी। साल 1991 की फिल्म विश कन्या से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। जो जीता वो सिकंदर के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इसके बाद आई साल 1993 में लुटेरे, फिर साल 1995 में फिल्म आतंक ही आतंक आई। फिर धीरे धीरे ये फिल्मों से दूर हो गईं। इनकी शादी हुई फरहान फर्नीचर वाला से, जिनसे इनकी मुलाकात हुई थी साल 1990 में। इस शादी से इन्हें दो बच्चे हैं, बेटी आलिया फर्नीचर वाला और बेटा इब्राहिम। फरहान और पूजा का डिवोर्स हुआ साल 2003 में। इसके बाद ये बतौर सिंगल पेरेंट ही अपने बच्चों को पालने लगी। कुछ और एक्टर्स के साथ इनके अफेयर जरूर रहे, लेकिन ये बिग बॉस की कंटेस्टेंट बनके जब सामने आई तो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। यकीनन पूजा बेदी ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने बॉलीवुड में आग लगा दी थी और इनसे आज भी बहुत सी एक्ट्रेसेस इंस्पायर होती हैं। अब ये दुखद खबर सामने आ रही है कि पूजा बेदी का निधन हो गया है, जिस बात को जानकर पूरा बॉलीवुड सदमे में है। ये खबर सामने आते ही फैंस बेहद उदास हो गए और इन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। तो बता दें कि बीती रात पूजा बेदी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बताया जा रहा है कि इनकी कंडीशन इस समय क्रिटिकल है और डॉक्टर्स इनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इस दौरान ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होगी कि पूजा बेदी का निधन हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। वो क्रिटिकल कंडीशन में मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जहां उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में पूजा बेदी के लिए प्रेयर्स लिखना मत भूलिएगा। मजीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफीज केव।